नमस्कार, यूपी 75 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। फरुखाबाद में वैक्सीन न लगवाने पर नहीं मिलेगा राशन, नगर पालिका कर्मचारियों ने राशन कार्ड पर लिखा फरमान। सहारनपुर भी अब कोरोना कर्फ्यू से मुक्त, 600 केस होने से लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में अभी रहेगा प्रतिबंध। आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज और 5 सरकारी अस्पतालों में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट, 15 से 20 जून के बीच ऑक्सीजन प्लांट शुरू होगा। रायबरेली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान, पुलिस ने सालौन सर्किल में वांछित चल रहे अपराधियों पर किया खुलासा, अलग अलग घटनाओं में वांछित थे आरोपी। यूपी में 3 महीने में 10 करोड़ कोरोना टीके लगाने का लक्ष्य, जिले को चिन्हित कर होगा 100% वैक्सीनेशन। रायबरेली में ढाबे पर खड़े ट्रक से 175 टिन रिफाइंड ऑयल चोरी, कोलकाता से लखनऊ आ रही थी रिफाइंड ऑयल की खेप। लखनऊ के खास मार्केट में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर हुई राख, 5 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना, इस बार भौतिक सत्यापन के बाद ही खाते में पहुंचेंगे रुपए। बस्ती पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से पुलिस ने ट्रक, तमंचा, 315 बोर की कई चीजें की बरामद। एक ही घर में 3 दलित महिलाओं का मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी विधायक ने वितरित किया निःशुल्क राशन, कोरोना को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश, सरकार की उपलब्धियों को भी किया गुणगान। सुल्तानपुर के वैरी गांव में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, ग्राम समाज की भूमि पर अवैध निर्माण को जगाया। आजमगढ़ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर दोष पर 25,000 का इनाम, पुलिस ने फरार दोनों अभियुक्तों की तलाश की तेज। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी, कुछ दिन पहले ही बहन की ससुराल से वापस आया था युवक। रायबरेली में गेहूं चोरी के आरोप में तालिबानी सजा, युवक को दबंगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, घटना का वीडियो हुआ वायरल। रामपुर के बिलासपुर रोड के पास एक गाड़ी से कई कुंतल गौमास्क हुआ बरामद, हिंदू संगठन के लोगों द्वारा पकड़ी गई गाड़ी, लोगों ने की कार्यवाही की मांग। बुलंदशहर में विवाहिता को दहेज के लिए मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास, पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोरोना महामारी और जिला न्यायालयों के संचालन को लेकर आजमगढ़ में प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी ने बयान, जिले में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है काम। आजमगढ़ में बाढ़ संबंधित काम को सही तरीके से चलाने के लिए कक्ष किया गया स्थापित, कर्मचारियों को निर्धारित समय अनुसार ही कार्यों को पूरा करने के दिए गए निर्देश। आगरा में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्रों ने देश के लिए पेश की मिसाल, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन बांटकर बचाई कई लोगों की जान।
आर्थिक तंगी के चलते युवक ने बिजली के खंभे से चिपक कर दी जान। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पीएम के लिए भेजा। सोनभद्र में ऑनलाइन सट्टेबाजी खेलने वालों पर पुलिस की बड़ी छापेमारी। छापेमारी में 4 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 5 एंड्रॉइड मोबाइल भी बरामद। औरैया में अज्ञात बदमाशों के द्वारा असलहे के दम पर की गई लाखों रुपए की लूट। पीड़ित व्यापारी की सूचना पर पुलिस कार्यवाही में जुटी। अलीगढ़ शराब कांड के बाद बुलंदशहर पुलिस अलर्ट। अवैध शराब के साथ नगर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दुल्हन के साथ डीजे पर डांस करने की जिद। नशेड़ी दूल्हे को पड़ी भारी। लड़की ने शादी से किया इनकार। हर्ड इम्यूनिटी का पता लगाने को 1762 नमूनों की होगी जांच। 3 चरणों में होगी सीरो सर्विलांस स्टडी। लखनऊ में कैश लोडिंग कंपनी से निष्कासित युवक ने लगाई थी एटीएम में सेंध। मामले में दोस्त व उसकी मां समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। बहराइच में खेत की रखवाली करने गए किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या को बताया आत्महत्या। एमएसटी घोटाले में दोषी यूपी रोडवेज के अफसरों पर होगा मुकदमा। 3 साल पहले 3 क्षेत्रों में हुआ था गबन। अम्बेडकर नगर के परवेज का आतंक। गोरखपुर एसटीएफ ने किया खत्म। बसपा नेता जुर्गाम की हत्या का था मुख्य आरोपी। लखनऊ में वाहनों की बिक्री पर कोरोना का ब्रेक। लॉकडाउन में प्रभावित हुए 20 करोड़ से अधिक की बिक्री। बाराबंकी में 80,000 रुपए के लिए ससुर ने किया बहू का सौदा। मामले में गुजरात के 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। महान स्वतंत्रता सेनानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम पर होगा अयोध्या खनिपुर मस्जिद प्रोजेक्ट का नाम। यूपी में सत्ता व संगठन में बदलाव की अटकलें खारिज। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में विस्तार के मिल रहे संकेत। अमेठी में जमीन विवाद में अधेड़ की बेरहमी से पिटाई। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के विकास मॉडल पर उठाए सवाल। कहा किसानों की एकता तोड़ेगी भंग। अम्बेडकर नगर में माफिया खान मुबारक के गुर्गे ने राह रोककर मांगी रंगदारी। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एक हुआ मौके से फरार। वाराणसी में 5 दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलेंगे दुकानें। शर्तों के साथ लॉकडाउन में मिली भारी छूट। वाराणसी में ध्वस्त होंगे 292 जर्जर भवन। नगर निगम द्वारा मकान मालिकों को भेजा गया नोटिस। मानदेय काटे जाने को लेकर वाराणसी के बीएचयू स्थित डीआरडीओ हॉस्पिटल के कर्मियों ने दिया धरना। वाराणसी में वाणिज्यिक लाभ उठाने के लिए मां गंगा की धारा से किया जा रहा छेड़छाड़। भविष्य में गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की जताई जा रही अंदेशे। भदोही जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद मामले में सीएमओ दफ्तर के लिपिक निलंबित। अपर
निदेशक प्रयाग और मुख्य विकास अधिकारी करेंगे मामले की जांच। जौनपुर जिला जेल में बवाल करने वाले उपद्रवी कैदी की हुई पहचान, जिला प्रशासन की गठित जांच कमेटी करेगी मामले की जांच। गोरखपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन तमंचा, अभियान चलाकर अवैध असलाह रखने बनाने बेचने वालों पे कसा जाएगा शिकंजा। गोरखपुर में युवक ने की चाकू से गोद कर शादीशुदा प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का आरोप, सपा व कांग्रेस कहती है भाजपा की वैक्सीन मत लगवाओ। कटौती के बाद राज्यांश को शिक्षकों के खाते में नियत समय पर न भेजने पर शिक्षक हुए नाराज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों की समयावधि बढ़ाने की उठी मांग, विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया गया आरोप। बालू लदे वाहन से वसूली कर रहे पीआरडी जवान का वीडियो हुआ वायरल, प्रयागराज में एसएसपी हुए सख्त, कड़ी कार्यवाही के दिए गए निर्देश। प्रयागराज में महिला का हुआ कत्ल, विवाहिता के घर के भीतर ही पति समेत ससुरालियों ने चाकू से गोद कर मौत के घाट उतारा। एनसीआरएमयू ने की कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग, कर्मचारी सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री को करेंगे ट्वीट। आधी रात घर में घुसकर मां बेटी से दरिंदगी, लूटे जेवर और नकदी, कौशाम्बी पुलिस कर रही मामले की जांच। ब्लैक फंगस से दो और मरीजों की मौत, 20 से ज्यादा गंभीर, 47 नए कोरोना मरीज आए सामने। मेरठ में कोरोना वायरस से संक्रमित चिकित्सक दंपति को लगी प्रदेश की पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है मेरठ का एनसीआर मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए 5 वेंटिलेटर समेत 125 बेड की दी गई व्यवस्था। मेरठ में 15 करोड़ की लागत से बनेगा बच्चों का आईसीयू, 22 वेंटिलेटर से लेस होकर इसका 50 बेड का बजट। मेरठगढ़ हाईवे 709 ए हाईवे का जून के अंत तक शुरू होगा चौड़ीकरण, कोरोना के काम की वजह से अब तैयारियां तेज। मेरठ की फैक्ट्री में नकली दवाइयां बनकर मुंबई तक हो रही थी सप्लाई, फैक्ट्री का मालिक हुआ गिरफ्तार। आगरा मेट्रो निर्माण कार्य ने 6 महीने में पकड़ी रफ्तार, पहला स्टेशन ले रहा आकार। आगरा में दवा वितरण कर और सैनिटाइजेशन कर से सेवा सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। भाजपा नेताओं के साथ फोटो वायरल होने पर रालोद ने सुधीर को भेजा नोटिस। अलीगढ़ में नूर पुल के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ, जय श्री राम के भी लगे नारे। अलीगढ़ में कोरोना का संक्रमण घटा, खाली हो गए 11 कोविड केयर सेंटर।
आजमगढ़ में यात्रियों से भरी बस पुलिया से टकराई, भीषण हादसे में 35 भट्टा मजदूर बुरी तरह से घायल। इटावा में कार और ऑटो के भीषण टक्कर, हादसे में 9 लोग घायल, 2 गंभीर, सैफई मेडिकल कॉलेज किए गए रेफर। अवंतीबाई महिला चिकित्सालय में बनाए गए ऑल विमेन्स वैक्सीनेशन बूथ, जिलाधिकारी ऑल विमेन बूथ का लेंगे जायजा। अलीगढ़ में चोरी की 10 ई रिक्शा के साथ 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, एक मौके से हुआ फरार। माफिया मुख्तार अंसारी वाली बांदा जेल की सुरक्षा में लगा सेंध, जेल की सलाखों से फरार हो गया एक बंदी। कानपुर में प्यार में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर सका प्रेमी, पहले फूट फूट कर रोया फिर मौत को लगाया गले। कानपुर सेंट्रल से रवाना हुई मालगाड़ी के 2 वैगन में लगी भीषण आग, अफसरों ने क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से पाया आग पर काबू। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लाइन से डीजल पेट्रोल की चोरी की फिराक में थे शातिर, अचानक पहुंची पुलिस को देखकर भागने का किया प्रयास। उन्नाव में रिश्तों के कत्ल का हुआ प्रयास, बांस काटने को लेकर हुए विवाद में भाई भाभी को किया लहूलुहान। महोबा में युवक को कुल्हाड़ी से काट कर उतारा मौत के घाट, आक्रोशित लोगों ने आरोपित के घर को लगाई आग। टेक्सटाइल पार्क के प्रोजेक्ट तैयार, केंद्र सरकार से भी मिलेगी वित्तीय मदद। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।